रामपुर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में एसडीएम की संयुक्त टीम ने जो है चौकी मसवासी पुलिस सहित छापेमारी की है कोसी घाट पर, और जो है बड़ी तादाद में पॉपलेन मशीन और 5 डंपर को वहां से सीज किया गया है। आपको बता दें प्रशासन की लाख मंशा के बाद लगातार जो है प्रशासन के मंसूबों पर पानी फेरते थे ये खनन माफिया, लगातार खनन माफिया जो है खनन करते थे पट्टों की आड़ में, और जो है रातों दिन के हिसाब से जो है खनन चलता था। क्यू टीवी भारत ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। उसके बाद रामपुर जिले का प्रशासन जागा है, एसडीएम ने एक संयुक्त टीम बनाई, टीम में जो है कई नायब तहसीलदार सहित कई राजस्व अधिकारी और मसवासी चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मी जो है कोसी घाट पे पहुंचे। उसके बाद उन्होंने छापेमार कार्रवाई की, उस दौरान डंपर को पकड़ा गया जो काफी जो ओवरलोड भरे जा रहे थे और मौके से जो पॉपलेन चल रही थी, जबकि मानकों में जो पट्टा जिसके स्वीकृत होता है उसके नाम पर मानकों में बताया जाता है कि कोई पॉपलेन मशीन नहीं चलती, मगर कोसी घाट में दर्जनों के हिसाब से जो है मशीनें चल रही है पॉपलेन। रात के अंधेरा हो चाहे दिन का उजाला हो, लगातार खनन चल रहा है, खनन के धंधेबाज खनन कर कोसी की जो कोसी घाट है उसमें उन्होंने ऐसे थे जो फसलें हैं किसानों की उजाड़ दी है खनन करते करते, क्योंकि खनन की परमिशन रामपुर स्तर पर दी जा रही है, मोटी मलाई मारी जा रही है खनन के नाम पर, क्योंकि खनन करने वाले करोड़पति बन गए हैं। इसको लेकर इस लिहाज से जो रामपुर के डीएम है वो एक्शन में आए, क्यू टीवी भारत की खबर का असर हुआ, उसके बाद मौके से पॉपलेन मशीन पकड़ी गई है। तो लगातार जो मंसूबे थे खनन माफियाओं के उन पर भारी पड़ा है रामपुर का प्रशासन, हालांकि अभी भी रात के अंधेरे में भी लगातार जारी है। ये एक छोटी सी कार्रवाई है मगर प्रशासन कहता है कि लगातार इनको बंद किया जाएगा, और जो खनन है जिस जो 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 कोसी नदी है उसका सीना चीर कर जो लोग खनन कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और लगातार इन पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल 5 डंपरों को सीज कर दिया गया है, 1 पॉपलेन मशीन को सीज करा गया है, बड़ी कार्रवाई रामपुर प्रशासन की तरफ से की गई है। वीडियो नाजिम के साथ अफ़ान अहमद, क्यू टीवी भारत, रामपुर।